नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। मित्रों, एक लंबे अंतराल के बाद, लगभग एक हफ्ता के बाद, 10 दिन के बाद आपके साथ बात कर रही हूं। कारण यही था कि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा था और इसी कारण से राहु केतु की श्रृंखला का जो अंतिम वीडियो है वो थोड़ा सा डिले हो गया। और मैं देख रही थी कि आप लोग, बहुत लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि उसका आप वेट कर रहे हैं, तो आज आपके उस वेट का, प्रतीक्षा का अंत होता है। और आज बात करूंगी, राहु अगर छठे घर में है, केतु 12वें में है, तो क्या कार्मिक कनेक्शन है? और अगर इसी एक्सिस को हम रिवर्स कर दें, राहु 12वें में चला जाए और केतु 6ठे में हो, तो क्या कार्मिक इंडिकेशंस हैं, क्या कार्मिक कनेक्शन आपका शो होता है हॉरोस्कोप में? या ये भी कह सकते हैं कि आपकी परेशानियों की चाबी कहां पर छुपी हुई है। राहु केतु की एक्सिस ही एक ऐसी एक्सिस है जो आपकी, मतलब सबसे बड़ी क्या आपकी लर्निंग है और क्या सबसे बड़ा आपका ऑब्स्ट्रक्शन है, कहां पर आप अटक रहे हैं, उसकी चाबी खोलने का रास्ता बताती है। इसीलिए मैंने आपको इस एक्सिस पर पूरे 6 वीडियोस दिए और एक वीडियो में राहु और केतु के एक्सिस को, दोनों को ही रिवर्स करके भी समझा दिया। तो आज उस श्रृंखला का अंतिम वीडियो है। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इसके साथ ही साथ इसकी पूरी जो सीरीज है उसको भी देखें, तभी आपको अपने अपने मित्रों के, अपने परिवार वालों के विषय में कुछ अंदरूनी जानकारियां मिलेंगी। चलिए शुरू करती हूं आज का वीडियो। सबसे पहले बात होगी कि राहु यदि 6ठे घर में हो और केतु 12वें घर में हो, जब कभी भी हम किसी भी ग्रह की किसी हाउस में प्लेसमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले उस हाउस को, उस स्थान को, उस भाव को समझ लेना चाहिए। 6ठा भाव क्या होता है? देखिए, 6ठा भाव जो है वो हमारे जीवन के, एक तो जो मैं समझ पाई हूं, सबसे बड़े कार्मिक ऋणों को दिखाता है। जी हाँ, 6ठा घर एक ऐसा घर है जो ये बताता है कि आपके जीवन में, मतलब आपका सबसे बड़ा फियर क्या है, या कौन सा ऐसा कर्म है जिसको, मतलब एग्जॉस्ट किए बिना, भुगते बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये 6ठा भाव दिखाता है। मतलब ये है कि डीप कार्मिक एग्जॉशन, सबसे ज्यादा कर्मों का ऋण कहां पर बाकी है और किस एरिया में है, ये 6ठे घर से पता चलता है। हमारे सबसे बड़े डर जो होते हैं जिंदगी के, वो भी 6ठे घर से ही देखे जाते हैं। 6ठा घर लिटिगेशन है, 6ठा घर रोग है, 6ठा घर ऋण है, 6ठा घर रिपु है, यानी कि एनिमीज हैं, डेट्स हैं, लोन्स हैं, डिजीज है, आपका ननिहाल भी है, मतलब मामा वगैरह भी देखे जाते हैं, क्योंकि 4ठे घर से 3रा घर है। इसी तरह आप अगर और देखें, संतान से 2रा घर है, तो संतान की प्रगति भी आप 6ठे घर से देख सकते हैं। जी हां, इसी तरह 10वें घर से 9वां घर है, तो आप अपने पिता के, मतलब कर्म को, पिता के भाग्य को भी देख सकते हैं। मतलब एक नहीं, एक भाव जो है वो कई चीजों को दिखाता है, लेकिन इसके जो मूल स्वभाव है वो रोग ऋण रिपु का है। डिजीज, एनिमीज, डेट्स, हमारे फियर्स, हमारे, और एक और बात है जो सबसे बड़ी है कि मेडिसिन वगैरह की जो प्रॉपर्टीज हैं, ये भी 6ठे घर से देखी जाती है। लॉ और मेडिसिन का प्रोफेशन भी देखा जाता है। वैसे तो पूरा प्रोफेशन ही 6ठे घर से देखा जाता है। 10वें घर से टोटल हमारे कर्म क्या होंगे, हमारी कार्मिक गति क्या होगी, लेकिन 6ठा घर जो है वो नौकरी का, सर्विस का भी होता है। तो आप समझ गए ना कि 6ठे घर से बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। अब यहां पर अगर राहु जैसा एक एम्पलीफायर, एक चीजों को बढ़ाने वाला, डिजायर करने वाला ग्रह बैठा है, तो क्या इंडिकेशन है? सबसे पहली बात ये
कि जब राहु छठे घर में होता है, क्योंकि राहु एक क्रूर ग्रह है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा रही हूं, राहु एक क्रूर ग्रह है, इसलिए छठे घर में क्रूर ग्रह का होना एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि ये जो भाव है ये हमारे रोग ऋण रिपु को दिखाता है। और क्रूर ग्रह क्या करते हैं, जहां भी बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं, या मतलब उस भाव को कमजोर करते हैं। तो अगर इन तीन भावों का, मतलब इन तीन चीजों का नाश हो हमारी कुंडली में, तो बहुत अच्छा है। इसीलिए मैंने कहा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाती है। सो राहु छठे घर में ऋण दे सकता है, राहु छठे घर में रोग दे सकता है, राहु छठे घर में बहुत सारे प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर्स दे सकता है। लेकिन ये भी सच है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे, या ये कह लीजिए कि आप अपने कॉम्पिटिशन को किल करते हैं। इसीलिए अगर छठे भाव में राहु हो और बृहस्पति की दृष्टि इस पर हो, तो ये एक बहुत बड़ा योग अष्ट लक्ष्मी योग बनाता है। इसका मतलब ये कि आपको अपने प्रतिद्वंदियों से लड़ना भी नहीं पड़ता है, आपके लिए तो भाग्य रास्ते अपने आप खोलता जाता है। लिख लीजिए इस बात को, यानी राहु पर जब एक बहुत शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाती है, तब तो ऐसा होता है कि आप जानते भी नहीं है कि कब आपके कॉम्पिटिटर्स रास्ते से हट गए और वो सीट आपके लिए खाली हो गई। ऐसा मैंने अपने अनुभव में बहुत कुंडलियों में देखा, और जिनके में भी देखा, उनको मतलब कुछ डिजायर बस करनी होती है और आपके रास्ते से आपके प्रतिद्वंदी हट जाते हैं। सो राहु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। ये हमारा अर्थ का भाव भी है, उपचय हाउस भी है, सिक्स हाउस, इसलिए यहां भी राहु की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर राहु यहां पर बुध की ही राशि में है, माना छठे भाव में भी है और कन्या राशि में भी हो, तो ये राहु बहुत प्रभावी हो जाता है। लेकिन अब जो आज मैं आपसे बात करना चाहती हूं कि कार्मिक कनेक्शन क्या है, वो ये है कि आपको अपने जीवन में एक तो अर्थ की, मेटीरियल प्रोस्पेरिटी की बहुत बहुत इच्छा होती है। मतलब आपको लगता है कि आप पैदा ही हुए हैं धन कमाने, मेटीरियल सक्सेस को अचीव करने के लिए, और उसके लिए आप बहुत कड़ी मेहनत भी करते हैं, ये भी सच है। राहु एक फाइटर है, तो आप अपनी चीजों को पाने के लिए, अपनी डिजायर्स को, कंफर्ट्स को पाने के लिए पूरी मेहनत भी करते हैं आप। यहां पर राहु का जो एक मतलब थोड़ा सा दुष्प्रभाव के राव साहब बताते थे, वो ये है कि यहां पर छठे घर में राहु होने से कभी कभी आपको आपकी जो दवाइयां वगैरह हैं उनसे आपको या तो मतलब गलत मेडिसिन आपके शरीर में पहुंच जाए, या टॉक्सिक इफेक्ट किसी दवा का हो जाए, ये छठे घर के राहु का इफेक्ट श्री केएन राव साहब बताते थे कि और सब अच्छाइयों के होते हुए भी ये वाला इफेक्ट रहता है कि अगर कोई रोग है तो रोग को भी वो पहले एम्प्लीफाई करता है। आप जल्दबाजी में कुछ गलत दवाएं ले लेते हैं और उनका असर खराब हो सकता है, तो ये एक खास बात है जिसका आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी छठे घर के राहु वाले लोग जो होते हैं वो लिटिगेशन की फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकते हैं, टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर बृहस्पति की दृष्टि है तो कंसल्टिंग के काम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर सूर्य यहां पर है राहु के साथ, तो फिर आप बड़े पदों पर, सरकारी बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि है तो आप लिटिगेशन यानी जज वगैरह बन सकते हैं, यानी कि बहुत सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन इसका जो कार्मिक कनेक्शन है वो एक ही है कि आपकी इस जीवन में जिज्ञासा, इस जीवन में जो सबसे बड़ी इच्छा है वो अर्थ उपार्जन की है, उसके चलते आप उसके लिए चाहे जो करना पड़े आप करेंगे। कई बार छठे घर का राहु कुछ एडिक्शंस भी दे देता है, जी हाँ, क्योंकि शत्रु का भाव है, एडिक्शन भी हमारे शत्रु हैं। मैंने कहा ना मिस हैपनिंग्स विद मेडिसिन हो सकती है, तो कोई आपको इस तरह का एडिक्शन भी दे सकता है। तो आप
और आप धन के कमाने की चाह में इतने लीन होते हैं कि आप बहुत सारी चीजों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। राहु अगर छठे घर में है तो ऐसे लोग काफी कम उम्र से काम करना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा ना, इच्छा ही ये है। जेलसी का थोड़ा भाव भी ऐसे लोगों में रहता है। औरों को आगे बढ़ता हुआ देखते ही इनकी कंपटीशन की भावना जाग जाती है और ये लोग बस फिर और आगे बढ़ने की इच्छा करते रहते हैं, इसलिए कंफर्टेबल नहीं रहते। आप समझिए कि इसका जो काउंटर पार्ट है, इसका शरीर कहाँ है, यानी राहु की ये जो अर्थ उपार्जन की इच्छा है, इसको होल्ड कौन कर सकता है? इसकी बॉडी केतु। केतु कहाँ है? केतु 12वें घर में है। 12वां घर समझेंगे, 12वां घर क्या है? 12वां घर मोक्ष है, 12वां घर व्यय है, 12वां घर भ्रमण है, विदेश यात्राएं हैं, 12वां घर चैरिटी भी है, 12वां घर रिनंसिएशन भी है। मतलब 12वां घर जो है उसकी एनर्जी ना डाइल्यूट होने की है, व्यय करने की है। अगर केतु 12वें घर में होता है तो इसको मोक्षदायी कहा जाता है, हम सब जानते हैं। इसका मतलब यह होता है कि पिछले जन्मों में आप काफी स्पिरिचुअल थे और आपने एक तरह से जिसको कहते हैं ना कि साधना मोक्ष, उसके बहुत करीब ऑलरेडी पहुंच चुके थे। मतलब ये तो आपकी स्किल्स हैं जो आप लेकर आ रहे हैं। आप काफी मतलब एक उदार आत्मा रहे होते हैं या उन्मुक्त एक फ्री सोल रहे होते हैं पिछले जन्मों में, जिन्होंने साधना की थी, बहुत लोगों को दिया था, लेकिन अब इस जीवन में उनकी इच्छा वो वापस सब कुछ समेट लेने की है। आपकी ये जो एक्सिस है क्या दिखाती है? स्पिरिचुअलिटी और मेटीरियलिज्म के बीच में आपकी दौड़ होती रहती है मित्रों। स्पिरिचुअलिटी और मेटीरियलिज्म, भौतिकतावादी और वो, लेकिन ये मानकर चलिए कि आपकी जो सोल है वो कहां प्रसन्नता पाती है, क्योंकि 12वां घर आइसोलेशन भी है, 12वां घर एलूफनेस है, तभी तो आप साधना कर सकते हैं। 12वां घर निद्रा भी है, 12वां घर शैया सुख भी है। तो यानी ऐसे लोगों को क्या होता है कि ऐसे लोग काफी कॉम्पिटिटिव होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन इनको आराम कहाँ मिलता है, दिल से सुकून कहाँ पाते हैं? जब ये थोड़े से स्पिरिचुअल होते हैं, जब ये अलूफ होते हैं, मतलब एक पूरे हेक्टिक डे के बाद ये घर में अकेले होना, म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, बाहर की पार्टी और ये पसंद नहीं करते, क्योंकि इनका आत्मा जो है, यानी राहु की ये जितनी भी एंजाइटी है, इंपल्सिवनेस है, ये होल्ड कौन करता है? केतु। तो ऐसे लोग फिर धीरे धीरे करके अपना जो सुकून है वो स्पिरिचुअलिटी में तलाश करते हैं, क्योंकि यही आप पिछले जन्मों में भी करते चले आए थे। और दूसरा इसका मतलब ये भी होता है कि आपको अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे आप जरूर बढ़ेंगे, मतलब आपका ये मोह जो है वो कभी भंग जरूर होगा, या तो आप बहुत कमा लेंगे, फिर आप सोचेंगे अब बस, आप सब कुछ छोड़कर मेडिटेशन में उतर सकते हैं, किसी कल्ट को अपना सकते हैं, किसी आश्रम में जाकर रह सकते हैं। जी हाँ, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं आप। अब इसी स्थिति को हम उल्टा कर देंगे और समझेंगे कि राहु 12वें भाव में और केतु 6ठे भाव में हो तो क्या होता है। अब 12वें घर की कारकत्व को समझ लेते हैं। मैंने अभी भी बताया कि मोक्ष है, साधना है, आश्रम है, जेल है, बहुत सारी बातें हैं, जेल भी 12वां घर है, शैया सुख है, निद्रा है, व्यय है, ठीक है। 10वें घर से तीसरा घर है तो आपके चाचा वगैरह भी हो सकते हैं, जैसे 6ठा घर मामा है तो वो चाचा है, चाचा ताऊ वगैरह। तो बहुत सारी चीजें हम अगर ऐसे ग्रहों से देखें तो एक ही हाउस हमको बहुत सारी बातें दिखाता है। अब अगर राहु 12वें घर में होगा तो एक सबसे पहली बात क्या हो गई कि 12वें घर की जो एनर्जी है ना, मतलब भ्रमण की है, एक्सप्लोर करने की है,
अगर वहां राहु चला जाएगा तो ऐसे बच्चे या ऐसे लोग शुरू से ही काफी भ्रमणशील होते हैं, मतलब उनको एक जगह बंधकर बैठना समझ लीजिए कि सजा है। अगर कोई उनको सजा देना चाहता है तो ये कह दे कि एक घंटे कमरे में बंद हो जाओ और देखिए वो किस तरह से व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सोल जो है वो आई है एक्सप्लोर करने। इसलिए इनिशियली क्या होता है कि राहु जब बारहवें घर में होता है तो आप थोड़ा डर रहता है कि आप जीवन में एक्सप्लोर करने के चक्कर में कुछ गलत चीजें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर किसी के कॉम्बिनेशन में, किसी की हॉरोस्कोप में ये कॉम्बिनेशन है राहु इन ट्वेल्थ हाउस, तो उस बच्चे की थोड़ी सी संगत पर, उसके इंटरेस्ट्स पर जरूर गौर करना चाहिए। बचपन से ही वो बच्चा एस्ट्रोनॉमी, मतलब आसमान क्या है, फिजिक्स वगैरह, एस्ट्रोनॉमी, अंतरिक्ष, स्पेस, नासा, इस तरह की बातें करेगा कि मुझे यहां जाना है, मुझे यहां पहुंचना है। क्योंकि बारहवां घर ना एक ऐसा घर है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, तभी तो आत्मा यहां से निर्गमन करती है। और ऐसे लोग, ये भी मान लीजिए, क्योंकि राहु डिजायर है, अगर बारहवें घर में होती तो ऐसे लोग मतलब जिंदगी से ना, जिंदगी तो भरपूर जीना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी से बहुत मोह नहीं होता, कई बार कहते हैं ना क्विकली डिपार्ट कर जाते हैं, निकल जाते हैं इस दुनिया को छोड़कर, क्योंकि उनको बंधन नहीं है बहुत, उनकी तो डिजायर ही बस निकलने की है। जी हाँ, ये चीजें बहुत बारीक है समझने के लिए। केवल राहु को देखकर यही नहीं कहने लगेंगे कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसे लोग एक्सप्लोर करते हैं, घूमते फिरते हैं, बंधन में नहीं बंधते हैं। और ये भी सच है कि कई बार जिंदगी को क्विकली, या कहते हैं ना अचानक से विदा कह देते हैं, ऐसा भी होता है। सो राहु क्योंकि डिजायर है तो शैया सुख है। कई बार ऐसे लोग अपने जीवन में कई अफेयर्स वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इच्छा मतलब बहुत व्यय कर सकते हैं, आपको हो सकता है पैसे से भी कोई लगाव ना हो, लग्जरी पर आप खर्च कर रहे हैं, बड़ी महंगी वॉचेस खरीद रहे हैं, महंगे परफ्यूम के आप शौकीन हैं, मतलब भोग विलास का स्थान भी है बारहवां घर। देखिए, एक घर साधना है, मोक्ष है, वही भोग विलास है, शैया सुख है। कितने ग्रह को बारीकी से समझना होगा कि कौन सा ग्रह आपको शैया सुख की तरफ ले जाएगा, कौन सा ग्रह आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा, और एक ही ग्रह क्यों और किस तरह से दोनों अलग रास्तों पर आपको ले जा सकता है। राहु दोनों तरफ ले जा सकता है, राहु आपको बहुत डिटैच बना सकता है। मुझे लगता है कि जिन्होंने भी बड़ी बड़ी खोज की होगी इस देश की उस देश की, उनका राहु बारहवें घर में रहा होगा, क्योंकि खोजी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इनका ऑब्जर्वेशन भी बहुत फाइन होता है, कई बार अफेयर्स वगैरह भी काफी करते हैं, फॉरेन नेशनल्स से भी अफेयर कर सकते हैं, विजातीय लोगों से अफेयर कर सकते हैं, और तो और विदेश जाकर बसने की इच्छा रख सकते हैं, क्योंकि अब देश तो समझ नहीं आ रहा, एक्सप्लोर कर लिया, बाहर क्या है और देश क्या कहते हैं, सो और देशों की कल्चर क्या है, धर्म क्या है, इसको समझने में भी इंटरेस्टेड रहते हैं। कई बार धार्मिक रूप से बहुत रिजिड नहीं होते, मतलब इनका एटीट्यूड फ्लेक्सिबल होता है कि भाई सभी धर्म ठीक है, मैं एक्सप्लोर करूंगा फिर देखूंगा कौन सा धर्म मेरे लिए अच्छा है। यहां पर राहु की जो बेसिक एनर्जी है वो एक्सप्लोर करने की है। अब अगर इस पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव होगा तो आप थोड़ी गलत रास्ते पर जा सकते हैं, और अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो आप बारहवें घर के जो पॉजिटिव कारकत्व हैं उनकी तरफ राहु आपको ले जाएगा। केतु छठे घर में है। अब इस सारी आदत को कौन होल्ड करेगा, कौन चेक करेगा, कौन रोकेगा? केतु। केतु इन सिक्स हाउस क्या कहता है कि आपके कुछ कर्म पिछले जन्मों के, मतलब आपको सबसे बड़ा लेसन कहां से मिलेगा? रोग, ऋण या रिपु से। या तो आपको किसी लिटिगेशन से बहुत बड़ा लेसन मिलेगा, या
आपको ऋण से बहुत बड़ा लेसन मिलेगा या किसी रोग से बहुत बड़ा लेसन मिलेगा। मतलब जिंदगी को डिसिप्लिन कैसे करना है ये आपको सीखना ही होगा। केतु घड़ी है, जब तक आप अपनी जिंदगी को इतने डिसिप्लिन में नहीं ले आएंगे कि घड़ी के हिसाब से चलने लगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ना कुछ एक्सप्लोर कर पाएंगे, ना भोग विलास की तरफ जा पाएंगे। मतलब आपको अपना वर्स्ट लेसन ऑफ लाइफ तो पहले सीखना होगा, तब राहु की इच्छा पूरी होगी, तब आपको भोग विलास मिलेगा, तब आपको पैसा मिलेगा, तब आपको महंगी महंगी चीजें मिलेंगी, तब आप बड़े बड़े होटल्स में जाकर ठहर सकेंगे। मतलब सब भोग विलास आप तब कर सकेंगे जब आप छठे घर के लेसन्स जो मैंने बताए, या तो रोग या ऋण या रिपो, इन तीन में से किसी एक चीज से आप जरूर बंधा हुआ महसूस करेंगे कि करना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा। और जब एक बार आप अपना वो वर्स्ट फियर झेल लेते हैं, माना कोई आदमी है वो बिल्कुल बिंदास है, राहु है बाद में घर में, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं कर रहा, एक बार जिंदगी में उसके ऐसा हो गया कि वो ऋण के चक्कर में फंस गया, ये मैं लाइव एग्जांपल दे रही हूं, नाम नहीं ले सकती हूं, और इतने ऋणों में फंस गया कि उसको, मतलब उसकी सारी जो फ्लेम बॉयंस थी ना, मतलब जो बिंदास नेचर था, कोई परवाह नहीं करना किसी चीज का, वो एकदम शैटर कर गया। और वो व्यक्ति मतलब एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया। लेकिन उसके बाद उस व्यक्ति ने बहुत परेशानियां झेली, ये एक नहीं कई लोग हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रही हूं। लेकिन जैसे ही उसने अपना ये फेज अपनी दोबारा मेहनत से, डिसिप्लिन से, जब मैंने उनको समझाया अपनी मेहनत डिसिप्लिन से दोबारा उसने अपनी जिंदगी का होल्ड पकड़ लिया, कर लिया, नाउ लाइक कहते ना, एक ऐसा लेसन ले लिया कि वो पैसे के लिए और सबके लिए बहुत कॉन्शियस हो गए, समझदार हो गए, चीजों को समझने लगे, थोड़े बहुत स्पिरिचुअल भी हो गए, क्योंकि राहु बारहवें घर में स्पिरिचुअलिटी भी कहता है कि भाई थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाओ, मोक्ष को भी समझो, आत्मा परमात्मा को भी समझो। तो जब उन्होंने ऐसा सीख लिया तो आज वो बहुत अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े लेसन सीखने के बाद। तो अगेन ये जो केतु छठे घर में और राहु बारहवें घर में है, एक्सेस सेम है। यहां पर जो आपका लेसन है वो ये है कि आपको भौतिकतावाद से उठकर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना होगा, और इसके बीच में एक सामंजस्य बिठाना होगा, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बारहवें घर का मालिक भी थोड़ा सा, क्योंकि बारहवां घर बेसिकली जल तत्व राशि है, तो कई बार लिकर वगैरह का एडिक्शन भी लोगों को दे देता है। अब ये देखना पड़ेगा, अगर जल तत्व राशि है तो लिकर का एडिशन हो सकता है, अग्नि तत्व राशि है तो आप स्मोकिंग कर सकते हैं, सिगार पी सकते हैं, और अगर आपका मतलब द्वि स्वभाव की राशियां है, या जल तत्व में भी कभी कभी, क्योंकि जल तत्व एक कमजोर राशि होती है, तो वहां पर आपको और भी तरह के एडिक्शंस जो है वो लग सकते हैं। कई बार फिजिकल प्लेजर का ही एडिक्शन हो जाता है अगर पृथ्वी तत्व राशियों में राहु है। ये थोड़ा सा बहुत डीप सब्जेक्ट है, एक वीडियो में आपको नहीं समझा सकती, लेकिन हम इंडिकेशन मिल जाता है कि किस तरह का एडिक्शन राहु बारहवें घर में दे सकता है। देता छठे घर में भी है, लेकिन बारहवें घर में थोड़ा ज्यादा डर हो जाता है, क्योंकि फिर वो बहुत एक्सप्लोर करने लगता है। सो स्पिरिचुअलिटी और मेटीरियलिज्म की इस एक्सिस पर आप पूरी जिंदगी झूलते रहते हैं, स्विंग की तरह, झूले की तरह। और जब आप इस चीज के बीच में एक बैलेंस बनाना सीख लेते हैं कि कितना मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकना है, कितना भौतिकतावाद की तरफ झुकना है, और आप एक ब्रिज बना लेते हैं अपने एक्शन और डिजायर्स के बीच में, ठीक है ना, तो फिर आपका जीवन जो है वो सही दिशा पर चलने लगता है। ये थी मेरी एनालिसिस
छठे और बारहवें भाव की राहु केतु की एक्सेस पर। शीघ्र ही आपसे और इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर जल्दी ही मिलूंगी। धन्यवाद। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।